होप सो जीएसटी की स्टोरी सबको समझ में आ गई थी बच्चों तो वो चलते हैं अपने अगले सेट ऑफ रिविजन में और सबसे पहले यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाएंगे जिससे चीजें भली भाती अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी चिल्ड्रन और डायग्राम विल बी कॉल्ड एज वॉट सब डिविजन ऑफ जर्नल नाउ द क्वेश्चन कि घर में बंटवारा कब होता है जब जगह कम हो और रहने वाले लोग ज्यादा हो इज दैट अंडरस्टूड सो हमारे पास एक सीक्वेंस था चिल्ड्रन वेयर वी यूज टू प्रिपेयर जर्नल फॉलोड बाय जर्नल वी यूज टू प्रिपेयर लेजर लेजर एंड फॉलोड बाय लेजर वी यूज टू प्रिपेयर व्हाट ट्रायल बैलेंस फोपड़े में बात गई चिल्ड्रन फोपड़े में बात गई बट ओवर दीरियड ऑफ टाइम इट वॉज ऑब्जर्व बिकम करने के लिए आई रिपीट so दो स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर दिए अब दो स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किए तनिश जी नींद आ रही है तो सो ही जाइए <laughs> क्लास क्यों करेक्ट किए भाई चलिए भाई <laughs> दो स्ट्रक्चर हमने क्रिएट कर दिए बच्चों पहला स्ट्रक्चर टॉक्स ऑफ सो कॉल्ड ट्रांजेक्शन जो आने वाले टाइम में दूसरे स्ट्रक्चर में नहीं जाएंगे एंड सेकेंड स्ट्रक्चर टॉक्स ऑफ जहां पे ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे सो बिजनेसमैन अपने ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग साइकिल को थोड़ा प्रॉपरली सेगमेंट करने के लिए जर्नल नहीं बनाते बच्चों प्रिपेयर वॉट जर्नल प्रॉपर एंड सब्सिडरी बुक्स होता क्या है कि ट्रांजेक्शन बहुत ढेर सारे होते हैं तो कोई गड़बड़ी हो जाए तो कैसे आप करेक्शन करेंगे तो हमने कुछ को पुट कर दिया सब्सिडरी बुक्स में एंड विल बी पुटिंग बाप देख सब्सिड्री बुक्स आर ऑफ मल्टीपल टाइप चिल्ड्रन समर देर विच रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैश समेर विच रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैश एंड समेर चिल्ड्रन विच रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू डेट्स कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगे बच्चों दे अपियर इन अ बुक विच इज कॉल्ड एज बच्चो कैश बुक कैश बुक तो कैश बुक जेनरली तीन तरह की होती है बच्चों वन इज कॉल्ड एज सिंगल कॉलम कैश बुक वेयर वी रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन Then we have double column cash book. Dotara Tindi Cash with bank, cash with discount, yeah, bank with discount. And then we have children, triple column cash book. And many a times we have another cash book where we record minor transactions of cash children. And it is called as petty cash. Petty cash book. Similarly, children related with goods. We happen to prepare four books. One is called as a सेकेंड इज कॉल्ड एज बचो सेल्स बुक देन वी रिकॉर्ड इन दोनों के रिश्तेदार हैं दर्चेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक सो आपकी जो बिजनेस में गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है चिल्ड्रेन वो मल्टीपल टाइप्स की होती है आई रिपीट चिल्ड्रेन इट इज दो मल्टीपल टाइप्स हम कैश में गुड्स खरीदते हैं क्रेडिट में गुड्स खरीदते हैं कैश में असेट खरीदते हैं क्रेडिट में असेट खरीदते हैं बट परचेज बुक रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स खोपड़े में बात गई चलो, ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और कुछ भी परचेज बुक में बच्चों रिकॉर्ड नहीं होगा खोपड़े में बात गई सेल्स बुक की जहां तक बातें है चलन रिकॉर्ड ओनली एंड ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स सिमिलरली इन परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न दोन क्रेडिट वी रिकॉर्ड देम कैश में खरीदा और वापिस हो गया तो ये परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न में भी रिकॉर्ड नहीं होता एंड चिल्ड्रेन ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल आर रिकॉर्डेड in a book which is called as bill receivable book and bills payable bill book itni story i hope so sabko samajh mein a gayi chalna yes sir If you understood what is a cash book ye books aur ye books sabko samajh mein aayi bachon और जो transactions कहीं पे भी record नहीं होंगे वो kahan पे record होंगे chalna general so, proper any doubts on this so transactions not appearing

जब आपने कैश निकाला बैंक से एंट्री इज कैश टू बैंक कैश कॉलम में वैल्यू लिखेंगे, लिखेंगे पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा टॉप टू बॉटम कि आगे चल के कहीं ये चेक बैंक में गया या नहीं गया अगर क्वेश्चन एक पर्टिकुलर डेट पे एट द टॉप कह रहा है चेक इज रिसीव्ड और फिर नीचे कह रहा है इट इज सेंट टू बैंक तो जब आपको चेक मिला आप पोस्टिंग करेंगे उस एंट्री की जो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू चेक टूड गलत जवाब बस ये तो गलती है जब आपको चेक मिला तो आप एंट्री करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट व्हाट टू एक्स वाई जेड जिसने आपको दिया और फ्यूचर में जब ये चेक बैंक में गया तो एंट्री होगी बैंक टू चेक इन हैंड तो पोस्टिंग एक करनी है बिकॉज पहली वाली तो एंट्री कैश बुक में पोस्ट हो ही नहीं सकती क्योंकि एंट्री क्या है चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई जेड

अगली बात ध्यान देने वाली है टीचर्स ओरिएंटेड बात है ये सब्सिडरी बुक का जब क्वेश्चन आता है बच्चों तो क्रेडिट परचेज कैश परचेस मिला होता है क्रेडिट परचेज इन परचेज बुक कुछ टीचर्स कहते हैं कि एक कैश बुक बना दो और वहां पे कैश परचेज को शो कर दो टीचर टू टीचर ये ओरिएंटेशन लॉजिक थोड़ा सा गड़बड़ लगता है मेरे को बिकॉज क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर परचेज बुक तो वाई गोइंग टू टेक दोशन

बच्चे यहाँ गलती करते हैं परचेज बुक आपने बना ली आपको एक कनेक्टिंग एंट्री करनी पड़ेगी जैसे मैंने प्रीवियस कल वाले लेक्चर में बताई थी ताकि आप सब्सिडरी बुक से लेजर में पोस्ट कर पाए परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी जीएसटी टू क्रेडिटर ए क्रेडिटर बी क्रेडिटर सी अकॉर्डिंगली इस एंट्री को पोस्ट कर देंगे सेम विल बी द केस इन अदर सब्सिडरी बुक्स एज वेल समझ गए बात को बच्चों पक्का चलिए तो लेट्स सी टू इट कि हमें यहाँ पे क्या कोई क्वेश्चन मिलता है एंड बिफोर वी कंटिन्यू फर्दर एक बात आपको और बता दो कौन कौन से डॉक्यूमेंट यूज होते हैं चिल्ड्रन परचेज बुक के लिए वील बी यूजिंग द सोर्स डॉक्यूमेंट कॉल्ड एज इन वॉइस सेल्स बुक के लिए इट इज बिल परचेज रिटर्न में इट इज डेबिट नोट चिल्ड्रन और सेल्स रिटर्न में इट इज क्रेडिट नोट दिमाग की बत्ती जलाइए मिनटॉस का कैसे याद रखेंगे कि डेबिट नोट होगा कि क्रेडिट नोट होगा जब आप परचेज रिटर्न कर रहे हैं मिस्टर एक्स को बच्चों तो आपके दिमाग में जर्नल एंट्री क्या आती है एक्स टू परचेज रिटर्न क्या किया आपने एक्स को इस एंट्री में डेबिट. डेबिट तो प्रेम पत्र देंगे उसको लिखकर और उसमें बोलेंगे मिस्टर एक्स वी डेबिट यू विद सो एंड सो अमाउंट और अगर जेड ने आपको गुड्स वापस कर दिए बच्चों वट इज द जर्नल एंट्री यू आर गोइंग टू पास जेड को आप प्रेम पत्र देंगे और उस पर लिखेंगे मिस्टर जेड वी हैव क्रेडिटेड यू इन आर बुक्स विद सो एंड सो पपड़े में बात गई या बिल्कुल भी नहीं गई नहीं। याद रहेगी ये बात पक्का कंफर्म चलिए झटपट इसको लिख लीजिए सो लेट्स प्रोसीड फर्दर ये सब तो टाइम पास चीजें लिखी हैं इसलिए इनको तो कुछ करना नहीं है तो जो बीच बीच में टपट टपट करता रहता हूं उसके बेसिस पे आप लिख ही लेंगे चलिए

टू थाउजेंड किसी ने तो नाइनटीन फिफ्टी लिखा नेक्स्ट अगर ये लिखा होता पेड टू मिस्टर कस्ना, 2000, at a discount of 50 by check. तब आप अज्यूम करते कि 2000 तो था 50 का डिस्काउंट हो गया तो पेमेंट नाइनटीन हंड्रेड एंड फिफ्टी का होगा यहाँ चेक के सामने टू थाउजेंड लिखा तो चेक पूरा दो हजार का है करेक्ट क्या हो गया जनवरी सेकेंड टू फर्नीचर लिखेंगे 5000 तो अभी सो रहे थे क्या जब मैं चेक करवा रहा था मैंने ये तो बोला कि दो एंट्री मत करिएगा टाइम वेस्ट होगा कुछ सोते सुन रहे हैं क्लासमेट चलिए रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मिस्टर नागर अब चेक करना पड़ेगा ये चेक आगे बैंक में गया कि नहीं गया यस इट इज गोइंग टू बैंक तो पे आप कैश बुक में कोई भी पोस्टिंग नहीं करेंगे इट इज बाय वेजेस इन कैश कॉलम फाइव हंड्रेड बाय सैलरी इन बैंक कॉलम वन थाउजेंड आप लिखेंगे टू चेक इन हैंड इन बैंक कॉलम ट्वेंटी फोर हंड्रेड Contra entry हो जाएगी चिल्ड्रेन टू थाउजेंड की टू बैंक कैश कॉलम में टू थाउजेंड एंड बाय कैश इन बैंक कॉलम टू थाउजेंड बाय ड्रॉइंग्स इन ड्रॉइंगाइव हंड्रेड एंड बैंक कॉलम देर आफ्टर टू मिस्टर लोहिया टू फाइव डबल जीरो समझ में आ गया चलिए सिंपल था ये तो पेटी कैश बुक में सबको लॉजिक पता है इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है बस इम्प्रेस्ड सिस्टम वर्ड का एक बार मीनिंग बता दू मैं सपोज बिजनेस मैन ने फिक्स कर दिया कि हम अपने कैशियर को टू थाउजेंड रुपीज इम्प्रेस्ड मनी देंगे what? Impressed money. इसका मतलब क्या है मान लीजिए कि first month में बच्चों खर्च कर दिया विद्रेड तो ही पैसे हो गए फिर से इसके बाद टू थाउजेंड टेक एन एग्जाम्पल मंथ ही स्पेंट फोर्टीन हंड्रेड हाउ मच इज लेफ्ट

अगर यहां पे लिखा होता इम्प्रेस्ड सिस्टम पे अमाउंट ऑफ इम्प्रेस्ड इज रुपीस वन थाउजेंड प्रीवियस मंथ के एंड में और करंट मंथ के स्टार्ट में बैलेंस कितना था हंड्रेड तो आप कैसे लिखते यू वुड कैश कितना लिखते हैं हम नाइन बाकी लॉजिक समझ में आ गया बैलेंसिंग इज नॉट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस एक हजार था सौ तीस खर्च हो गया हाउ मच इज लेफ्टिल्ड्रन थ्री सेवेंटी कितना खर्च हुआ? 630, तो कितना होगा? और पे पे आपकी पेटी पेटी खत्म हो, समझे? कुछ बच्चे पे पेटी बुक को कर देते हैं और वो इनकम्प्लीट सोल्यूशन माना जाता है well. लॉजिक वाली बात है आप बेवकूफ ना बने इसलिए मैं आपको बता देता हूं अगर आपने सेल की बच्चों तो जर्नल एंट्री क्या होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सी जी एस टी टू आउटपुट एस SGS. लेजर पोस्टिंग आती है कैश बुक में आप डेबिट साइड में क्या लिखते अगर सिर्फ कैश टू सेल्स होता तो चलन टू सेल्स आ गया अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे यहाँ पे सेल्स की वैल्यू कितनी लिखी है चलन

पक्का तो बेफूफ नहीं बनना है जर्नल अगर आपको आता है लेजर पोस्टिंग आती है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है लॉजिक मेंट वेल चलिए अब यहां पे देखिए 126 है आगे लिखा है प्लस जीएसटी आउट ऑफ विच 140 वाज डिपॉजिटेड एकदम परेशान मत होइए यहाँ पे सेम एंट्री आप करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट चिल्ड्रन सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी कितने की सेल थी चिल्ड्रन 126, कैलकुलेट करके यहां लिख लीजिएगा 140 फोर्टी नौ तारीख को जमा हुआ इसकी सिंपल जर्नल एंट्री क्या बनेगी कॉन्ट्राइंट्री चिल्ड्रेन बैंक डिफिकल्ट चलिए समझ गए नेक्स्ट पेड कैश प्लस जीएसटी है तो अलग से जोड़ना ही पड़ेगा आपको लॉजिक अंडरस्टूड चिल्ड्रेन लॉजिक अंडरस्टूड भाई पक्का देखिए यहाँ पे अलग अलग लिखा है ना इन्होंने और यहाँ पे भी अलग अलग लिखा हुआ है सिमिलरली फ्रेड के केस में भी ऐसे होगा ऑफिस एक्सपेंस में भी ऐसे ही होगा वॉट इट mm -hmm. तो एकदम टेंशन नहीं लेना जर्नल आपको आना चाहिए बस जर्नल नहीं आता तो कोई टेंशन की बात ही नहीं फिर कुछ नहीं आएगा ओके okay? समझ में आ गया भाई ओडी है कैसे लिखेंगे हम ऑन द क्रेडिट साइड फर्स्ट आइटम एज बाय बैलेंस डाउन क्लियर बाकी तो आई होप सो आप यूनिमेरिकल प्रैक्टिस करते होंगे जिनको पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट है यहां पे बच्चे बड़ा फंसते हैं डिपॉजिटेड विद द बैंक क्या लिखा है बच्चों वर्ड एंटायर बैलेंस तो डेबिट साइड पे कैश कॉलम बैंक कॉलम चिल्ड्रन क्रेडिट साइड पे भी कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम और आपने ढेर सारी चीजें लिखी हुई है ठीक है डिपॉजिटेड विद बैंक डिपॉजिटेड वर्ड शूज एंड स्लीपर्स कैश मान लीजिए कैश का डेबिट और कैश का क्रेडिट सब मिला के कैश का डेबिट साइड आया बच्चों ट्वेंटी थाउजेंड और क्रेडिट साइड आया लेटेस्ट से फोर्टीन थाउजेंड ट्वेंटी माइनस फोर्टीन चिल्ड्रन सिक्स थाउजेंड तो बैलेंस सौ रुपए तो आप एक कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश टू कैश इन बैंक कॉलम थर्टी सिक्स हंड्रेड एंड बाय बैंक इन कैश कॉलम थर्टी सिक्स हंड्रेड दिमाग की बात यह है

इट इज टू कैश इन विच कॉलम बैंक कॉलम एंड बाय बैंक इन विच कॉलम कैश कॉलम यहाँ पे आपका समय बचेगा थोड़ा सा tha ye well, deposited into bank है तो आप किस column के साथ खेल रहे थे Cash. एक होता था withdrew from bank. तो यही काम आपको किसके साथ करना पड़ेगा जल्द्रेन बैंक के साथ करना पड़ेगा वो मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन था किसी बुक में आपको ऐसा मिला नहीं होगा अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट चलिए तो देखिए यहां पे कैश कितना बचा है चल रहा है हमारे पास टेन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड एटीन एंड कितना पैसा इन्होंने बैंक में जमा कराया टेन थाउजेंड टू हंड्रेड एटीन मिल गया तो सबसे पहले क्या काम करना है आपको आपको ये सब कुछ जितना लिखा हुआ है सब धड़ 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 सब लिख डालिए चल रहे सब जितना लिखा हुआ है पोस्ट ऑल इसके बाद आप सबसे पहले इसको लिखेंगे जो क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस आएगा उसकी आप एंट्री की पोस्टिंग कर देंगे टाइम वेस्टिंग एटीट्यूड समझे नहीं समझे नहीं समझे कि नहीं नहीं समझ गए चलिए अब ये पागलपंती की जाहिलों ने गवारों ने समझ में आ गया एवरेज टीचर ने बुकलेट बनाई थी मेरे पास मैंने चाहिए आपके साथ शेयर कर दें इज दैट क्लियर बिल्कुल ये सब हरकतें मत करिएगा पेपर जाएगा छूट आपका मैं आपको एक सुपर बेस्ट टेक्निक बता रहा हूं इसी से फॉलो करिएगा सब कुछ लिखने के बाद लीवा लाइन ब्लैंक ऑन द क्रेडिट साइड बाय बैलेंस कैरेट ऑन वही वैल्यू लिख लीजिए जो रिटेन करने करने को बोला गया है फिर डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस एक बार तो बैलेंस के लिए काम करना ही करना है समझना गया दिस टाइप ऑफ स्टाइल इज मच मोर इफेक्टिव और यही काम क्लास ट्वेल्थ में आपको पार्टनरशिप की अकाउंटिंग में भी करना पड़ेगा कम से कम तीन चैप्टर में तो आपको याद रहेगा कि इलेवेंथ में जैसे सिखाया था एक लाइन छोड़ के बैलेंस करना वैसे ही सर ट्वेल्थ में रिपीट कर रहे हैं समझे कैसे करना है पक्का तो सब कुछ लिखने के बाद लीव अ लाइन ब्लैंक सर डेबिट में छोड़े क्रेडिट में छोड़े अरे डेबिट तो वैसे ही पूरा खंडहर है वो तो खाली रहेगा कहां पे लाइन छोड़नी है क्रेडिट में क्यों बिकॉज बैलेंसिंग जो कैरेट डाउन आएगा वो किस साइड पे आएगा क्रेडिट में समझ में आ गया समझ में आ गया बच्चों चलिए तो ये सब कहानी तो मैं आपको बता चुका हूं तो इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है परचेज बुक इज नोन टू एवरीबडी चलिए एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक ऑफ मेसर्स अजीत स्टेशनर्स अग्रवाल बुक हाउस चिल्ड्रेन रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा नहीं होगा होगा वेरी गुड फर्नीचर खरीदा क्रेडिट पे खरीदा है बच्चों क्यों नहीं होगा कई ट्रांजेक्शन में हो कहां हो अब देखिए क्वेश्चन में लिखा है कुछ करते कि बच्चा बुक तो बनाएगा ही बनाएगा। और जो परचेज बुक में नहीं गए वो कहा जाएंगे जिनको हमने पार्टी में बुलाया तो हमारी पार्टी में आ गए जो नहीं है हमारी उससे कोई जिम्मेदारी नहीं है बट टीचर्स है कि नहीं आप चौधरी में हैं आपको सब कुछ बताना पड़ेगा

कैश में नो ट्रांजेक्शन कैश में है बच्चों तो कहाँ रिकॉर्ड होगा कैश बुक बनाने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं ठीक समझ में क्या समझ में आ गया चलिए ये क्या लिखा है सोल्ड टू सेल्स बुक में क्यों रिकॉर्ड हो गया अच्छा शिवानी ब्रदर्स की भी इन्होंने बुक्स बना ली है नहीं ये गलत है चल ये गलत लिख गया है परचेज बुक ही होगा प्रिंटिंग मिस्टेक है बाकी ये टोटल ठीक है चलो है क्या जाएगा वी आर लीस्ट बॉर्ड विध दिस आई होप सो इसकी लेजर पोस्टिंग करने के लोग परचेज अकाउंट में आप लिखेंगे टू सॉरी हाँ टू अग्रवाल बुक हाउस एंड टू

समझ में आ गया चलिए चल होगा होगा किस चीज का है? का ही है बच्चों? Okay. Very good. ही खरीदा है पे? तो बेचा है है बच्चों खरीदा पे बेचा नहीं होगा ट्वेंटी वाला चल रहा है रामा yes, क्यों सीता जी नहीं है इसलिए कैश the... में कहा रिकॉर्ड होगा एंड ये कहा जाएगा बच्चों General proper. General proper. उसके गले में प्रॉब्लम होने झोल उनको भूत का रोल मिला है मूवी में चलिए भाई सोल टू जितेश वुड्स होगा रिकॉर्ड बच्चों वेरी गुड अच्छा अगर यहाँ पे मैं कैश डिस्काउंट लिख देता तो तब नहीं होगा सर तब नहीं रिकॉर्ड वेरी गुड वेरी गुड चलिए परचेज रिटर्न सेल रिटर्न ये तो आसान है कर लेंगे लोग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है चलिए बच्चों जीएसटी वाला सर कैसे रिकॉर्ड होगा पता है सबको हाउ टू रिकॉर्ड दिस ये सब आसान hmm. चैप्टर्स थे कभी कभी आप सोचते भी होंगे सर इतने आसान चैप्टर्स क्यों हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे ग्यारहवीं से बारहवीं में चले जाए एंड मैं सही में बोल रहा हूँ जब आप ट्वेल्थ की अकाउंट पढ़ेंगे ना आपको लगेगा सर कौन से जन्म का हमसे बदला लिया जा रहा है इलेवन तो एकदम फ्रेंच फ्राइज था और ये करेले और नीम की सब्जी खिलाई जा रही है इवन वेन गो टू ग्रेजुएशन यू विल रियलाइज द टफेस्ट अकाउंटेंसीज ऑफ क्लास ट्वेल्थ ओनली ग्रेजुएशन भी इतना टफ नहीं होता है चलिए बिकॉज क्लास में तो आप ग्रामर पढ़ रहे हैं बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ में आपको क्या पढ़ाया जाता है पोएट्री शेक्सपियर ये सब ड्रामा बेसिकली तो ग्रामर तो एक मोड है सो कॉल्ड लैंग्वेज को सेटल करने का समझ में आई बात नहीं समझे कभी आपने चक्की पे गेहूं को पिसवाया होगा

हाँ भाई समझ गए सब लोग ये बात चलिए तो इन क्वेश्चंस को जरूर लगा लीजिएगा चलन तो ये ट्रू फॉल्स हैं ये सब भी देख लीजिएगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं पक्का कर लेंगे yes, क्वेरी होगी आंसर भी होने चाहिए इसमें शायद चलिए एक्सरसाइज इज देयर चिल्ड्रेन जर्नल वगैरह सब कुछ है जरूर से सॉल्व कर लीजिएगा अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं सोच रहा हूं कि एक बार जर्नल सॉल्व कर ही लेते हैं बच्चों मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश फर्नीचर मशीनरी मैं आपको बताऊंगा आपको कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा और आप साथ में मेरे सत्संग भी कर सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू टू वाहनरी कैश अकाउंट डेबिट फर्नीचर अकाउंट डेबिट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल पेड इन टू बैंक इट इज बैंक टू कैश देन परचेज टू कपिल देव purchase to 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 sales, then to cash to discount cash cash, cash cash discount discount account debit, allowed drawings salary and rent. बट याद करिए डे वन जब आपने पढ़ा था बहुत टफ लगता था ना उस समय बट जिन बच्चों ने खाचा खींच के डेबिट क्रेडिट सब लिखा था फॉर देम इट वॉज डैम इजी देन इट इज कैश टू कैपिटल फिर ओपेंडा करंट अकाउंट Bank bank to cash, to cash. So फर्नीचर बेचा और पैसा बिजनेस में ले आए बच्चो कैश टू कैपिटल ऑफिस की बात है yes. वही एंट्री होगी और क्या होगी घर का फर्नीचर बेचा है ना भाई बिजनेस से क्या मतलब बिजनेस तो बिजनेस में में तो तो पैसा पैसा आ आ रहा रहा है आपके है आपके घर में रिश्तेदार आए काजू की एक किलो बर्फी लेके आपको इससे क्या मतलब कि कितने पैसे उनके खर्च हुए आप तो बोलेंगे, समझ में, आई बात की नहीं। सुशील से अमाउंट रिकवरेबल नहीं था क्या होगी एंट्री बचो बेडेट अकाउंट डेबिट टू तो सुशील डेबिट डेट्स अकाउंट डेबिट टू एक्स देन कैश टू बैड रिकवर्ड रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड की एंट्री क्या होगी बच्चों वाह 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 आउटस्टैंडिंग रेंट डेबिट हो गया ये विजय माल्या के परिवार के लोग हैं इट इज रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट बच्चे कहेंगे सर लैंडलॉर्ड नहीं लिख सकते अमेरिका होता तो लिख लेते हिंदुस्तान है जो टीचर पढ़ाएगा वही पे मार्क्स देगा वो भाई मेरे हिसाब से रेंट टू लैंडलॉर्ड में क्या गड़बड़ी है रेंट टू लैंडलॉर्ड में क्या गड़बड़ी है समझ में क्या होना तो ये भी सही था बट दुनिया को यह सब बातें दबाना चाह रही दुनिया नहीं ये सही नहीं है जो बोल दिया एक बार वही सही है समझ में आ गया विवाहित तभी माना जाएगा जब मांग में डेढ़ मीटर का सिंदूर समझ में आ गया और लॉकेट जिसको मंगल बोलते हैं वो पहना चाहिए चलिए सैलरी ड्यू टू मैनेजर क्या होगी एंट्री बच्चों सैलरी टू बाहर खड़ी तनख्वा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी डेप्रीसिएशन तीन महीने का है बच्चों तो डेप्रीसिएशन टू मशीनरी कितना आएगा पंद्रह सौ रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स या कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चलिए खैर कर लेंगे नहीं यार अच्छा वाला क्वेश्चन है, है चलिए चैरिटी में गुड्स बांट दिए एंट्री क्या होगी चिल्ड्रन चैरिटी टू परचेज वैल्यू इज टू थाउजेंड ये शादी कर लिया इसने गुड्स से चल कर. इस क्वेश्चन के हस्बैंड का नाम गुड्स है गिवन एज फ्री सैंपल क्या होगी एंट्री एडवर्टाइजिंग या एडवर्टाइजमेंट टू परचेज कॉस्ट प्राइस लिखना चिल्ड्रेन लॉस बाय फायर टू परचेज लिखेंगे दस हजार फिर इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट छ हजार टू लॉस बाय फायर हाउ मच टेन थाउजेंड दे घर ले गए गुड्स क्या लिखेंगे घर ले गए अकाउंट डेबिट ड्रॉइंग्स टू परचेज टूल्स यूज किए गए हैं मतलब टूल्स बनाने के लिए गुड्स यूज किए गए हैं क्या एंट्री होगी फैक्ट्री टूल्स भी लिख सकते हैं टूल्स एंड इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं सब सही है देन वेजेस नए फर्नीचर खरीदने पे कार्टेज है फर्नीचर में ही डेबिट होगा कॉस्ट कॉन्सेप्ट नहीं चलिए पेड एक्विजिशन चार्जेस चल रहे बिल्डिंग टू कैश एंड मशीनरी टू कैश बाकी ये सब तो आसान है हो जाएगा ये कंफ्यूज तो नहीं होंगे पेड रेंट टू सुशील हम सिंपली रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे ठीक है चलिए ये तो आसान है बच्चों ये सब हो जाएगा आपसे बना लीजिएगा इसकी कैश बुक वगैरह बुक इट्स अ गुड एग्जाम के पहले चलिए कर लेंगे सब लोग बच्चों पक्का yes, चलिए चलते हैं अपने अगले कॉम्पोजिशन पे चल रेन डायग्राम बहुत मजेदार है चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों आपने बैंक में एक अकाउंट ओपन किया बाय डिपॉजिटिंग गलत जवाब रुपीज टेन थाउजेंड बैंक में आपके कितने पैसे जमा हैं बच्चों रुपीज, था। रुपीज था। तो एक बार बोल ही चुके हैं बार बार रिपीट करने की क्या जरूरत है बस टेन थाउजेंड बोल दीजिए वही वाला तो, तो, तो रुपीज ही था भाई जब रुपी डिपॉजिट किया तो रुपी होगा ना डॉलर थोड़ा हो जाएगा समझ में आ गई बात की नहीं चलिए टीचर सही को गलत भी कर सकता है गलत को ठीक भी कर देता है चलिए इतनी बात समझ में आ गई दिमाग की बत्ती जलाए मेंटोस खाए बगैर आपके एक कस्टमर थे मिस्टर एक्स उन्होंने आपको चार हजार रुपए का एक चेक दे दिया आपने ये चेक बैंक में डिपॉजिट करने के लिए अपने नौकर को दिया नौकर की वाइफ कह रही है अगर आज मेला घुमाने नहीं लेगा तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी वीकेंड था मेला घुमाने ले गया और चेक बैंक में जमा करना भूल गया अगले दिन संडे था फिर उसके बाद एक हफ्ते की दीपावली की छुट्टी हो गई और उसके बाद मंथ एंड हो गया आप तो फील कर रहे थे कि आपके बैंक बैंक में 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 कितने पैसे हैं चिल्ड्रन बट कितना है सिर्फ दस हजार रुपया इज दैट क्लियर ऑडिटर अगर बुक्स ऑडिट करेगा उसे नजर आएगा दाल में काला वो कहेगा का भाई आप फोर्टीन रिपोर्ट कर रहे हो बैंक टेन बोल रहा है कुछ गड़बड़ है तो बच्चों इस केस में आप अगर फोर्टीन थाउजेंड को टेन करना चाहते हैं तो क्या गणित अप्लाई करनी पड़ेगी माइनस और अगर टेन थाउजेंड को फोर्टीन करना चाहते हैं तो क्या गणित अप्लाई करनी पड़ेगी प्लस तो क्वेश्चन आपको अगर एज पर कैशबुक कॉन्सेप्ट दे रहा है क्या दे रहा है क्वेश्चन चिल्ड्रन कॉन्सेप्ट एज पर कैश बुक इन दैट केस आप 14 को 10 करेंगे तो क्या मैथ अप्लाई करेंगे माइनस और अगर क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग पॉइंट एज पर पासबुक बोल रहा है तो आप 10 को क्या करेंगे 14 कैसे करेंगे प्लस करके लॉजिक इज अंडरस्टूड वेल और सर अगर ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन आ गया सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग वैल्यू जो है वो प्लस की जगह माइनस में चली जाएगी आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट बेसिक्स की बैलेंस का मतलब क्या है ओडी का मतलब क्या है इट्स बीइंग अ रिवीजन लेक्चर तो आई प्री इतना आपको आता है तो टीचर रिवीजन में ये नहीं समझे बात को पक्का एक एग्जाम्पल और लेंगे हम मतलब और भी लेंगे बट एक इसके बाद लेंगे आपने मिस्टर वाई को दो हजार रुपए का चेक दिया और बोला जाके बैंक से पैसा निकाल लेना वाई की जो वाइफ थी वो एक्स की वाइफ की बहन थी तो दोनों का एटीट्यूड तो एक ही जैसा होगा हमको ही मेला घुमाओ नहीं तो डाइवोर्स दे देंगे तो वाई कह रहा है भैया मेला घुमा देते हैं मतलब अपनी वाइफ को भैया नहीं बोला ऐसे बोल रहा था आपस में वॉट इट क्लियर तो मेला घुमाने चला गया एंड देर आफ्टर बैंक से पैसे लेने नहीं गया वी वर एक्सपेक्टिंग इसको दो हजार का चेक दे दिया तो बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं एट थाउजेंड बट बैंक में चिल्ड्रन अभी भी कितना पैसा पड़ा है कैसे एट को टेन करेंगे आप वेरी गुड और अगर आप ये देखें कि बैंक में टेन है और आपके पास एट है तो कैसे टेन को आप एट करेंगे चिल्ड्रेन माइनस, माइनस करके खोपड़े में बात गई खोपड़े में बात गई पक्का चलिए आपको किसी कंपनी में मनी इन्वेस्ट करने का मौका मिला था और उस कंपनी ने पांच सौ रुपए का डिविडेंड सीधे आपके बैंक में जमा करा दिया आपका बैंक का बैलेंस टेन थाउजेंड रुपीज से बढ़ के कितना हो गया चिल्ड्रन टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इतनी कहानी समझ में आ रही है सबको एफ आई से कैसे ये टेन थाउजेंड रुपी बनेगा टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आपका जवाब होगा प्लस, प्लस। और अगर मैं आपसे पूछूं हाउ दिसन थाउजेंड फाइव हंड्रेड विल बिकम टेन थाउजेंड तो आपका जवाब क्या होगा चलन माइनस क्लियर आपका इलेक्ट्रिक बिल आपके बैंक ने आपके कहने पे तीन हजार रुपए बच्चों पे कर दिया आई रिपीट तीन हजार रुपए पे कर दिया तो आपके बैंक में बैलेंस कितना बच गया सेवन इफ यू हैव अ क्वेरी सर कैसे इस टेन को सेवन किया जाए द आंसर इज माइनस थोड़ा फेड हो गया ये नाराज हो गया लगता है ठीक कर देते हैं और अगर आप बोले सर हाउ कैन वी डू दिस सेवन थाउजेंड टू एक्ट एज टेन थाउजेंड आपका जवाब क्या होगा चिल्ड्रो कहने का मतलब ट्रांजैक्शन अगर कैश बुक की डिपॉजिट में रिकॉर्ड हुआ तो कैश बुक गो कैश बुक के विद्रॉवल में रिकॉर्ड हुआ तो कैश बुक विल गो डाउन पासबुक के डिपॉजिट में रिकॉर्ड हुआ तो पासबुक विल गो अपुक के विड्रॉवल में रिकॉर्ड हुआ तो पासबुक विल गो डाउन ट्रांजेक्शन किसी में भी रिकॉर्ड हो सकता है जाएगी हमेशा सोर्स बुक डेस्टिनेशन बुक के पास ये मत सोचिएगा ट्रांजैक्शन कैश बुक के डिपॉजिट में रिकॉर्ड हुआ कैश बुक तो कैश बुक विल गो टू पासबुक ऐसा नहीं है यह मत सोचिएगा ट्रांजैक्शन कैश बुक के विड्रॉल में रिकॉर्ड हुआ कैश बुक गोज डाउन कैश बुक पासबुक तक जाएगी तो प्लस करेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये मत सोचिएगा ट्रांजैक्शन पासबुक के डिपॉजिट में रिकॉर्ड हुआ तो पासबुक गोस अब पासबुक को कैश बुक तक ले जाना है तो माइनस ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल मत सोचिएगा ट्रांजैक्शन पासबुक के विड्रॉल में रिकॉर्ड हुआ बच्चों तो पासबुक विल गो डाउन पासबुक को कैशबुक बुक तक ले जाना है तो बस ऐसा कुछ नहीं होता है ट्रांजैक्शन में अपीयर इन कैशबुक ट्रांजैक्शन में अपीयर इन पासबुक इफ इट अपीयर्स इन द डिपॉजिट साइड बैलेंस विल गो अप विड्रॉल में आया तो बैलेंस विल गो डाउन इसके बाद सोर्स बुक जिससे क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है विल बी मैच्ड अप टू डेस्टिनेशन मान लीजिए कि आपके पापा सोर्स हैं आपको पॉकेट मनी देने का तो पापा अगर यूएस में है तो आप यूएस जाके पॉकेट मनी लेंगे पापा अगर ऑस्ट्रेलिया में है तो आप ऑस्ट्रेलिया जाके पॉकेट मनी लेंगे इज इज दैट दैट अंडरस्टूड अंडरस्टूड और और नॉट नॉट पक्का तो सारे सो कॉल्ड समस्याएं क्लियर हो गई कंफर्म लेक्चर इज ऑन टू रिकॉर्ड आप एक एक करके एग्जाम्पल भी आफ्टर क्लास कॉपी कर लीजिएगा ठीक है सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है बच्चा सोचता है जिस बुक में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ वही दूसरे में चला जाएगा और ऐसी समस्या आती है पता है उसका भी रीजन टीचर ही है पहले बैलेंस एज पर कैश बुक का क्वेश्चन कराया जाता है और पहला ही कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाता है अगर ये पहला ट्रांजेक्शन पासबुक में रिकॉर्ड हो जाए कभी बी आर एस में बच्चे को समस्या आएगी नहीं अगर मैं आपसे कहूं आज शाम को चाट खाने चलेंगे दिमाग में टिक्की आएगा और कुछ नहीं आएगा समझ में आया कि नहीं आया क्यों शादी ब्याह में जहां पे चाट का स्टॉल लगा होता है ना उसके नीचे टिक्की का काउंटर लगा होता है तो हम प्रीम कर लेते हैं चार्ट का मतलब आज घर पहुंचो बहुत मार पड़ेगी लड़कियों के सामने चेहरा मम्मी का लड़कों के सामने चेहरा पापा का आ जाता है समझ में आया कि नहीं आया कोई ये सोचता ही नहीं कि कॉकरोच को मार पड़ेगी सब यही सोचते हैं कि हम खुद ही कॉकरोच है अंडरस्टूड उस दिन अपने आप को कॉकरोच समझिएगा जिस दिन चप्पल पड़े घर में नहीं तो तब तक कॉकरोच मत समझिएगा चलिए भाई समझ गए बच्चों चिल्ड्रेन अंडरस्टूड दिस ये सब टोटल बकवास है दो रुपए किलो वाली रद्दी है इसको कुछ नहीं पढ़ना आपको सब बकवास है चलन सब बकवास सीधे आते हैं प्रश्नों पे कुछ एग्जाम्पल है सॉल्व कर लीजिएगा मन करे चलिए कहा गया क्वेश्चन भाई अरे आ ही नहीं रहा है आ गया आ गया आ गया सो गया बच्चों रुक गई जगाने दीजिए इसको उल्टा कर दिया मैंने इसको चलो सबको मिल गया क्वेश्चन चलन अब ये एग्जाम्पल तो सॉल्व भी है एग्जाम्पल सोल्व कराऊंगा लोग कहेंगे सर को लगता आता नहीं इसलिए करा चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर फाइव विजिबल टू ऑल चिल्ड्रन विजिबल टू ऑल चलिए बैलेंस एज पर कैश बुक पहले तो प्लस मार्क कर ले सब लोग मार्क चलन चलिए अब मैं आपको सबसे पहले फोर्थ ट्रांजैक्शन ही सिखाऊंगा ताकि कंफ्यूजन रिजोल्व हो जाए बैंक डेबिटेड तो बैंक में बच्चों डेबिट का मतलब क्या होता है विड्रॉल तो पासबुक नीचे चली गई सोर्स बुक क्या है यहां कैश कैशबुक पासबुक तक आएगी क्या करेंगे आप माइनस क्रेडिटेड का मतलब क्या होता है बच्चों डिपॉजिट इसमें क्या हुआ आपकी कैशबुक गलत जवाब कैशबुक में तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं है पासबुक बढ़ गई बुक को पासबुक तक ले जाएंगे तो क्या करेंगे प्लस करेंगे समझ में आया तो कंफ्यूजन इसीलिए होता है

अरे ठंडा मतलब रूअजा कोल्ड ड्रिंक ये सब मांग रहे हैं और गर्म का मतलब गीजर का पानी नहीं है चाय कॉफी कुछ क्लियर और मान लीजिए अगर कोल्ड कॉफी मांग रहे हैं तो हॉट कॉफी बनाइए आधे घंटे छोड़ दीजिए अपने आप कोल्ड हो जाएगी समझ आया एक दो बच्चे कॉमर्स के ऐसा कर चुके हैं रेस्टोरेंट गए देखे एक सौ बीस की कोल्ड कॉफी और पच्चीस की हॉट कॉफी कॉमर्स वाले थे हॉट कॉफी लेके घंटा बैठे हुए हैं ताकि कोल्ड कॉफी हो जाए बट फिर जल्दी से पी लीजिएगा रेस्टोरेंट वाले ने देख लिया अनफेयर इसमें फंस जाएंगे चलिए भाई बारह हजार के चेक इशू किए गए थे बच्चों तीन हजार के तो मार्च में प्रेजेंट हो गए कितने के बचे नौ हजार उसमें से चार हजार के अप्रैल के प्रेजेंट हुए चोर चोर मोसेरे भाई नौ हजार के चेक किस बुक में अपियर कर रहे हैं बच्चों पांच और चार नौ होता है बारह में तीन हजार के चेक तो मार्च में प्रेजेंट हो गए तो बचे कितने के चार के अप्रैल में हुए और बाकी हुए ही नहीं तो बाकी पांच के हुए ना भाई फाइव एंड फोर इज वॉट चिल्ड्रन नाइन नाइन थाउजेंड के चेक किस बुक में है Four. कैश बुक इश्यू किया था तो विड्रॉल में होगा बैलेंस मस्ट हैव गॉन डाउन पासबुक ऊपर है क्या करेंगे वेरी गुड नाइन थाउजेंड रुपी प्लस पांच हजार के चेक जमा किए पंद्रह सौ के तो क्रेडिट हो गए बचे कितने के चिल्ड्रन पैंतीस सौ किस बुक में रिकॉर्ड हुए हैं कैश बुक कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया कैश बुक पासबुक तक कैसे आएगी एनी चलिए बैंक रिवर्स ये क्या है सर पहले बैंक ने गलती से हमसे पैसा ले लिया था अब हमको वापस कर दिया तो ये कैश बुक में तो होगा नहीं तो हमारी पासबुक में डिपॉजिट है चल रहे पासबुक की वैल्यू बढ़ गई पहली बार आपने देखा है सर ट्रांजेक्शन रिवर्स मतलब पहले चार्जेस काटे गए थे अब वापस मिल गए तो पासबुक बढ़ गई चिल्ड्रन ऊपर चली गई कैश बुक से पासबुक तक आने के लिए प्लस इसीलिए कहते हैं जितना भी ज्ञान ले लीजिए जब भी मिलेगा कुछ नया ही मिलेगा आपको ज्ञान आई होप सो आपने इतना होमवर्क किया होगा बट रिवर्स जैसा आज तक आपको मिला ही नहीं बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया कैश बुक में कितना रिकॉर्डेड है चिल्ड्रन टू हंड्रेड तो पासबुक गिरी दो हजार से बुक गिरी दो सौ से स्टिल कौन ज्यादा गिरी हुई है छोड़िए सर क्या गिरी हुई चीजों की बात करनी अरे हाँ बात करनी पड़ेगी नंबर गिर जाएगा आपका फिर घर वाले खूब गिरा गिरा मारेंगे आपको अठारह सौ रूपये कैश बुक ऊपर है और पासबुक नीचे है क्या करेंगे बच्चों कैश बुक में अठारह सो नहीं गिराएंगे बी आर एस में माइनस करेंगे कुछ लोगों की सोच भी गिर गई है चलिए कैश बुक का रिसिप्ट साइड अंडर कास्ता ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है इसलिए जब भी आता है मैं बच्चों को बोलता हूं ड्रॉ करके सॉल्व करो मान लीजिए बैलेंस दो हजार है बच्चों लिखना था पेमेंट साइड पे सॉरी रिसिप्ट का है रिसिप्ट साइड पे 800 कितना लिखना था और आप लिख के बैठे हैं सिर्फ 300 अगर 800 लिखते तो योर बैलेंस वुड हैव बीन हाउ मच चिल्ड्रन 2800 क्योंकि 500 कम लिखा था 300 लिखा था तो बैलेंस कितना हो गया 23 कैश बुक गिर गई चिल्ड्रन 28 की जगह 23 हो गई पासबुक ऊपर है व्हाट टू डू प्लस हाउ मच पांच सौ प्लस कर देंगे समझ गए सब लोग पीपल अंडरस्टूड कंफर्म समझ गए भाई yes. चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स नजर आ रहा है सबको चलिए बच्चों पासबुक इज द सोर्स बुक प्लस आइटम स्टार्ट करिए वेरी क्विकली चलिए बैंक ने हमारे बेहाफ पे एक चेक कलेक्ट किया बट गलती से हमारे अकाउंट में जमा किया कि नहीं किया ऑन बेहाफ ऑफ रमन हम रमन है हाँ हम रमन है और राजन के अकाउंट में पैसा डाल दिया तो हमारी कैश बुक तो बढ़ी हुई है पासबुक को कैश बुक तक ले जाने के लिए प्लस, प्लस। बैंक ने कैश डिपॉजिट थोड़ा सा कर लिया दस हमने तो किया नहीं क्या करेंगे बच्चों माइनस पासबुक का विड्रॉल कॉलम अंडर हो गया मान लीजिए बैलेंस एक हजार था लिखना लेटर से तीन सौ रुपए था तो बैलेंस आता सेवन हंड्रेड हमने लिखा 200 तो बैलेंस आया 800 पासबुक का बैलेंस बढ़ गया बच्चों और कैश बुक नीचे है व्हाट टू डू माइनस पंद्रह सौ रुपए पासबुक में था जो डेबिट साइड में आ गया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है चल रही क्रेडिट बैलेंस मतलब रिसिप्ट था एक तरह का क्या था रिसिप्ट इसको मैं इस तरह से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ आप भी यही अप्रोच फॉलो करिएगा दिस इज कैश बुक एंड दिस इज पासबुक ध्यान दीजिएगा बच्चों पासबुक में क्रेडिट बैलेंस था आपको डिपॉजिट पे लिखना था बट आपने कहां पे लिख दिया विड्रॉल में तो कैश बुक तो आपकी पंद्रह सो से बढ़ी है पासबुक भी बढ़नी चाहिए थी बट क्या हो गई बच्चों घट गई तो अब आपका डिफरेंस तीन हजार का आएगा तो पासबुक को कैश बुक तक ले जाने के लिए क्या करेंगे थ्री थाउजेंड प्लस तीन सौ पचास रुपए का पेमेंट था रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक धड़ाम धड़ाम दो बार पासबुक गिरी है गिरनी से एक बार चाहिए थी तो यहाँ पे आपने पासबुक में पेमेंट दो बार लिखा है आई एज्यूम की कैशबुक में एक बार तो लिखा ही होगा तो डिफरेंस तीन सौ पचास का ही होगा पासबुक गिर गई पासबुक शोड अ क्रेडिट ऑफ तो वन थाउजेंड बढ़ी हुई है तो माइनस और ये भी माइनस समझ गया सब लोग चलिए तो ये सारे क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लेंगे चलन पीएमसी की जरूर कर लीजिएगा बढ़िया बढ़िया होते हैं सब चलिए अब लेजर और ट्रायल बैलेंस आ रहा है किसी बहुत महान आत्मा ने बुकलेट बनाई होगी चलिए समझ में आ गया इट इज नॉट माई क्रिएशन कहीं से आई थी मेरे पास तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दे बट कंटेंट इज ओके टाइप सिक्वेंसिंग थोड़ी सी गड़बड़ है चलिए ये बात सबको समझ में आ गई ये बात सबको समझ में आ गई तो अगले लेक्चर में हम बच्चों करेंगे वॉट इज कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन ओके आज की सेवाएं यही समाप्त करती